का आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हिंदुस्तान की अब तक की सबसे अद्भुत राम कहानी, एक ऐसी रामायण, श्री राम की ऐसी निशानियां, राम राज्य की ऐसी तस्वीरें जो इससे पहले देश के सामने नहीं आई। हिंदुस्तान के उत्तर पूर्व कोने से खोज कर ला रहे हैं हम श्री राम कथा का एक बहुत बड़ा और अद्भुत दृश्य। हिंदुस्तान की धरती पर छिपी एक अद्भुत राम कहानी जो इससे पहले न कभी सुनी गई न कभी देखी गई। ये कहानी है मेघालय की खूबसूरती में लिपटी साउथ गारो पर्वत श्रृंखलाओं की और उन पर्वतों के बीच छिपे एक राम राज्य की, जिसे आज के दौर में हम बाल पक्रम कहते हैं। अब तक सुनी गई राम कथाओं में हम अयोध्या में राम जन्मभूमि को जानते हैं, ओरछा में राजा रामचंद्र के महल को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मेघालय के बाल पक्रम और साउथ गारो पहाड़ियों पर भी श्री राम का एक नगर था जिसे भगवान राम ने खुद अपने हाथों से सजाया था। फर्क बस इतना है कि जिन्हें पूरी दुनिया राम और लक्ष्मण कहती है उन्हें गारो प्रजाति के लोग अपनी भाषा में डिक्की और बांदी कहते हैं। बलपक्रम जाइए, वो बलपक्रम में आप वो जो निशान है ना उनको उसको मिलेगा, जो निशान जो जो ये पाथर पाथर लोग वो को भी मिलेगा आप लोग बलपक्रम में। अभी भी बलपक्रम में मौजूद है तो जैसे कि दिक्की की रंग बांदी बांदी ने जलांग कतनी सुनती ये सब बलपक्रम में रहते। जो बलपक्रम में था बोल के हम लोग का मेघालय या साउथ गारो इसमें था बोल के हम लोग सुना है। दृश्यम की टीम से मेघालय की गारो प्रजाति के कुछ लोगों ने संपर्क किया, हमें गारो रामायण के बारे में बताया, वहां मौजूद राम की कहानी, राम की निशानियों को दिखाया। और यकीन मानिए वो सब कुछ सुनकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि हमारे सामने थी श्री राम की वो कहानी जो युगों से सिर्फ मेघालय तक सिमट कर रह गई। इसलिए हम निकल पड़े अब तक के सबसे अद्भुत दृश्यम की तलाश में। भारतवर्ष यानी श्री राम की धरती, भारतवर्ष यानी रामायण की धरती। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। जब भी श्री राम का जिक्र आता है तो आपने उन तमाम जगहों के बारे में देखा या सुना जरूर होगा जिनका वास्ता श्री राम से रहा है, जैसे अयोध्या, किष्किंधा, रामेश्वरम और दंडकारण्य या फिर श्रीलंका ही क्यों ना। दुनिया भर में देखा जाए तो 200 से अधिक रामायण हैं, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसी जगह है, या ऐसा कह लीजिए कि उत्तर पूर्व भारत में एक ऐसी रामायण है जिसके बारे में भारतवर्ष में भी बहुत कम लोगों को पता है या बिल्कुल भी नहीं पता है। जी हाँ, आज जो दृश्य हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं वो कहीं और से नहीं है, वो मेघालय से है। मेघालय के उस हिस्से से जिसे साउथ गारो हिल्स कहते हैं या उसके आसपास घिरे तमाम हिस्से। और यहाँ क्या
श्री राम की निशानियां मिलती हैं, क्या रामायण की निशानियां मिलती हैं, यही आज हमारा दृश्यम होगा। तो आइए हमारे सफर की करते हैं शुरुआत। इस तलाश की कई कड़ियां थी। पहला बालपक्रम, जहां श्री राम के शहर के अवशेष हैं। वहीं कहीं है वो नाव भी जिसमें राम लक्ष्मण सवारी करते थे। चौंकाने वाली बात थी इन्हीं पर्वतों के बीच द्रोण पर्वत का दावा, जो संजीवनी बूटी की खातिर हनुमान लंका ले गए थे। और यही है वो नीली नदी जो आज भी श्री राम के रंग में रंगी है। अब हमें सबसे पहले यही नीली नदी तलाशनी थी, क्योंकि बालपक्रम में भगवान राम की उस अद्भुत नगरी का रास्ता वहीं से शुरू होता है। चलते चलते हम नदी के सिरहाने तक पहुंच गए। पानी बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी आम नदी का होता है, न कोई नीला रंग, न कोई अचंभे वाली बात। लेकिन चार कदम और चले तो अद्भुत नजारा सामने था। हरे पत्थरों और नीले पानी का एक अद्भुत संसार था। यही थी वो वारी नदी जिसकी तलाश में हम आए थे। और यहीं से उस नगर की शुरुआत होती है जिसे श्री राम ने अपने हाथों से सजाया था। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच नीले पानी पर पड़ती सूरज की मध्यम रोशनी, एक पल को यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत जगह हिंदुस्तान की नजर से दूर कैसे हो सकती है। मन तो इस नजारे को सारा दिन निहारने का था, लेकिन श्री राम से जुड़ी अद्भुत कहानी की तलाश हमें आगे जाने पर मजबूर कर रही थी। गारो रामायण के सफर का पहला पड़ाव ही हैरतअंगेज निकला। देखिए, ये पहाड़ जिसके सहारे मैं चल रहा हूँ, ये इतना हरा नजर आ रहा है जैसे ये पत्थर का है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से घास का पहाड़ है। लेकिन संभलते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भी पैर फिसला तो आप यहाँ नीचे गहरी खाई में गिर जाएंगे। कहते हैं डिक्की बांधी, यानी श्री राम और लक्ष्मण ने इस जगह पर एक लंबा वक्त गुजारा था। मान्यताएं ये कहती हैं कि श्री राम की एक डुबकी के बाद ही वारी नदी उनके रंग से रंग गई थी। हमें इस नदी के साथ लंबा सफर गुजारना था, न गहराई का पता था, न पानी में होने वाले खतरों का। इसलिए सुरक्षा के लिए हमने एक नाव के सहारे आगे बढ़ने का फैसला किया। ये नाव तैयार हो गई है और अब उसको पानी में रखने की बस देरी है, जिसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बालपक्रम तक पहुंचने का एक सड़क मार्ग भी है, लेकिन श्रीराम की इस दुनिया को पहली बार टीवी पर दिखाने के लिए नदी में उतरना ही एकमात्र विकल्प था। क्योंकि हम उन्हीं रास्तों से गुजरना चाहते थे, गारो रामायण के मुताबिक जिन रास्तों से राम और लक्ष्मण गुजरते थे। नाव पर काबू पाना मुश्किल काम था, लेकिन इस दृश्यम को कैमरे में कैद करने के लिए ये बहुत छोटी कीमत थी।
जो दृश्य इस वक्त मेरी आंखों के सामने है, आप ऊपर नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी गहराई पर हम हैं इस वक्त। और ये जो कैनियन है ये वाकई अद्भुत है। हिंदुस्तान में मैंने पहली बार ऐसा कहीं देखा है जहाँ नाव के जरिए जा सकते हैं। वाकई ये दृश्यम अद्भुत है। हमारी जो खोज है उसमें थकान तो ज़रूर हुई, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यहाँ आने के बाद वो थकान थोड़ी सी कम ज़रूर हो गई है। गारो प्रजाति के लोग बताते हैं इस जगह को श्री राम ने अपने हाथों से सजाया था। यह इलाका त्रेता युग में राजा रामचंद्र के साम्राज्य का हिस्सा था। इन तराशे पत्थरों को इसका साक्ष्य बताया जाता है। देखो कितने बारीकी से ये कटी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी ने तराशा है और वो भी बहुत वक्त लेकर तराशा है। कहते हैं ऊपर पहाड़ियों पर हमें वो गुफाएं भी दिखेंगी जहां कभी श्री राम ठहरा करते थे, लेकिन फिलहाल हमारी दिलचस्पी इस नदी और नदी के नीले रंग में थी। देखिए ये ऐसे कई इलाके हैं जहाँ से नाव का गुजरना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गाड़ी चलाना जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा कठिन है इस नाव को मैनेज करना। चारों तरफ कई पतले दर्रे थे, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, ऊपर कोई गुफा है भी या नहीं, दिमाग में कई सवाल गूंज रहे थे। इस दौरान हमारी बोट तंग इलाके में कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। देखिए ये रास्ता और सकरा होता जा रहा है। आप ऊपर भी देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि यहाँ दिन के वक्त ही अंधेरा हो चुका है। अभी 2:30 बजे हैं दोपहर के, लेकिन अभी यहाँ अंधेरा डराने वाला है। आशंकाएं थी, खतरे थे, मुश्किलें भी थी। लेकिन यहां का नजारा हर परेशानी पर भारी था। ऊपर जंगल से बहते झरने सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे, लेकिन यही झरने रास्ते को खतरनाक भी बना रहे थे। देखिए ये जो जगह है ना ये सबसे खतरनाक है। इसमें दिखने में वो खतरा आपको भले नजर ना आए, गहराई यहाँ खतरा नहीं है। दरअसल यहाँ ये जो पौधे कटे पड़े हैं ये कटीले हैं, नीचे से पत्थर लकड़ियाँ निकली हुई हैं, और अगर इनमें से कुछ भी नाव से टकराता है तो मैं पूरी तरीके से भीग गया हूँ। ये झरना पूरी तरीके से भिगो चुका है। ये जगह अभी तक भारतवर्ष की नजरों से दूर थी। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर यहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, और ऐसा क्यों है इसका जवाब कुछ देर बाद ही मिल गया। पानी का बहाव बढ़ चुका है और यहाँ पर नाव अब लगातार डोल रही है। देखिए पानी का बहाव कितना तेज है। सामने वाटरफॉल है और कुछ सूखी जमीन, शायद यही वो जगह है जहाँ हमें नाव छोड़ देनी चाहिए। ओह ये अपने आप गोल घूम रही है।
बार बार लगता कि इन चट्टानों की बनावट में कोई कहानी छिपी है। कई बार लगता कि शायद चट्टानों पर कुछ नक्काशियां भी हैं, लेकिन पास जाकर देखते तो कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिला तो नदी में छलांग लगा दी। इस उम्मीद के साथ कि शायद नदी के नीले रंग का कोई वैज्ञानिक तथ्य ही मिल जाए। नदी के नीचे सब कुछ सामान्य दिखा, कुछ पत्थर थे जो हर नदी में मिलते हैं। नदी से निकलकर हम आगे बढ़ने की कवायद में जुटे थे, तभी नदी में कुछ हलचल महसूस हुई। हमने देखने की कोशिश की, तभी एक हादसा हो गया। हमारी नाव नदी में पलट गई, लेकिन हम सुरक्षित थे। आंखों के सामने जो कुछ भी था अद्भुत था। इससे खूबसूरत नदी हमने पहले कभी नहीं देखी थी। गारो रामायण के मुताबिक ये पूरी जगह, ये पहाड़ियां, ये नदी, ये झरने, सब कुछ श्री राम की नगरी का हिस्सा था। गारो प्रजाति के लोग मानते हैं कि डिक्की बांधी यानी राम और लक्ष्मण आज भी यही है। इसी खूबसूरती के बीच वारी नदी के अद्भुत नजारे के बाद अब बालपक्रम पहुंचने की बेकरारी बढ़ रही थी। जिसके लिए हमें यहां से करीब 31 किलोमीटर दूर जाना था। गारो प्रजाति के लोग श्री राम को ही बालपक्रम का राजा मानते हैं। वो कहते हैं कि इन पहाड़ियों पर ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जो उनकी मान्यताओं को सही साबित करती हैं। देखिए, हमारा मकसद यही था कि जो मान्यता है साउथ गारो हिल्स में या गारो समुदाय की, कि पूरे हिस्से को, पूरे इलाके को राम लक्ष्मण जो यहाँ पे दिक्की बंदी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ना सिर्फ बसाया बल्कि इसे बचाया भी। तो यही वजह है कि हम इसकी खूबसूरती दिखाते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं और यही कोशिश हमें इन जंगलों में ले आई है। पता नहीं आगे ये कहाँ लेकर जाए। बालपक्रम पहुंचने के लिए फिलहाल जंगल से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंचना जरूरी था। अरे वाह, एक सड़क यहाँ पर दिख रही है। छोटी सी ही है लेकिन कम से कम यहाँ कोई गाड़ी तो मिल सकती है। हम सड़क किनारे मदद के लिए खड़े थे, लेकिन इस बियाबान से भला कौन गुजरता होगा। एक गाड़ी की आवाज सुनकर हमने राहत की सांस ली।
ड्राइवर बालपक्रम जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन 20 किलोमीटर दूर रामछेंगा गांव तक छोड़ने के लिए राजी था। रामछेंगा गांव बालपक्रम के करीब है। नाम सुनकर ही लगा शायद वहां से गारो रामायण को लेकर कोई ठोस जानकारी जरूर मिलेगी। ये गाड़ी में भी बहुत मुश्किल भरा सफर है क्योंकि रास्ता इतना छोटा है कि आप देखिए कि आसपास की जो झाड़ियां हैं वो लगातार आपको चोट करती हैं और ये दिखा पाना भी उतना ही मुश्किल है जितना इसको यहाँ फेस करना है। हम बालपक्रम के बारे में बहुत कुछ सुनकर आए थे। बताया गया था कि एक गुफा है जहां डिक्की बांधी यानी श्री राम लक्ष्मण रहते थे। वो नाव है जो कभी श्री राम ने इस्तेमाल की थी। द्रोण पर्वत का वो हिस्सा जहां से महाबली हनुमान संजीवनी बूटी लेकर गए थे और श्री राम के पैरों के वो निशान भी जो आज भी राम कथा के गवाह हैं। कुछ देर के सफर के बाद हम रामछेंगा पहुंच गए। गांव के लोगों से बातचीत की तो पूरी राम कहानी पता चली। गारो रामायण की कथा लंका विजय यानी श्री राम के सम्राट बनने के बाद शुरू होती है। कहते हैं बालपक्रम के साथ ये पूरा इलाका कभी श्री राम के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बालपक्रम में इसके कई साक्ष्य आज भी देखे जा सकते हैं। डिक्की बंदी ने कैसा आया कैसा नहीं आया वो तो पता नहीं है, लेकिन बालपक्रम में था बोल के हम लोग का मेघालय साउथ गारो इसमें था बोल के हम लोग सुना है। तब भी उस जगह से जाके हम लोग स्टोरी सुन के ढूंढने से वो बालपक्रम जगह से हम लोग मिला है डिक्की बंडी ने जगह और उसने बनाया बोल के हम लोग देखा है। और उसका आत्मा का जो पेड़ का ये रहता है ना उसका भी हम लोग देख सकता है। गारो रामायण का कोई लिखित रूप नहीं है। शायद इसलिए ये राम कथाएं आज तक हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंची, लेकिन गारो पर्वत पर रहने वाले हर शख्स की जुबान पर ये कथा आज भी मौजूद है। वो एक्चुअली वो तो ओरल ही है जो हम लोग का फोर फादर्स उन्होंने बोला था। जो डिक्की बंदी तो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ऐसे बोला था जो उनको वो मॉडर्न में वो उसको कंपेयर किया तो वो तो ये जो राम या उनका कहानी उसे सिमिलर होता था। इसलिए हम लोग भी को सोचा था तो जो कितना ईयर बैक ना उस टाइम में वो टेम्पल भी बनाना चाहते हैं बालपक्रम में। निशान आप लोग चाहे तो बालपक्रम जाइए वो बालपक्रम में आप वो जो निशान है ना उनको उसको मिलेगा जो निशान जो जो ये पाथर वो को भी मिलेगा आप लोग बालपक्रम में। अगला सफर बालपक्रम की तरफ था जहां अनगिनत राम कथाएं सदियों से मौजूद हैं, जिन्हें न किसी ने देखा न किसी ने सुना। रास्ता खराब था, मोटरसाइकिल ने भी साथ छोड़ दिया। अब रामायण की उन निशानियों तक का सफर हमें अकेले ही तय करना था।
कुछ देर बाद हम बालपक्रम नेशनल पार्क में थे। दावे के मुताबिक यही वो धरती है जहां कभी श्री राम के चरण पड़े थे। देखिए, गारो रामायण वाल्मीकि रामायण से कितनी मेल खाती है इसके बारे में कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि अब उस भाषा को समझने वाले या बोलने वाले पढ़ने वाले कम बचे हुए हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस बात का प्रमाण वाल्मीकि रामायण में है कि हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर पूरा पहाड़ उठा लिया था संजीवनी बूटी के खोज में, उसका जिक्र गारो रामायण में भी है। और यही बात है कि ये जो जंगल है, इस जंगल में जब आप होते हैं तो यहाँ जो तमाम पेड़ पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट के साथ हैं आज भी, और यही वजह है कि लोगों का जो विश्वास है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। राह में मुश्किलों की कमी नहीं थी, कभी कटीली झाड़ियों में कदम उलझ जाते, तो कभी छोटे नदी नाले रफ्तार को थाम लेते। रास्ता खुद बता रहा था कि यहां आने जाने वाले सिर्फ गिने चुने लोग हैं। जय बजरंग बली। कुछ छोटी बड़ी बाधाओं को पार करने के बाद हम बालपक्रम में उस जगह पहुंचे जहां की कहानी श्रीराम की नाव से जुड़ती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं अभी एक बोट के ऊपर खड़ा हुआ हूं तो शायद आपको हंसी आ जाए, लेकिन मैं जिस पत्थर के ढेर के ऊपर खड़ा हूं इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बोट की तरह नजर आता है, और इसकी कहानी दिक्की बंदी से जुड़ती है। दिक्की बंदी कौन? दिक्की बंदी वही हैं जिनको राम लक्ष्मण के रूप में यहाँ देखा जाता है। और ये जो इलाका अभी आप देख रहे हैं ये सूखा पड़ा हुआ है, वीरान है, लेकिन पहले यहाँ पर पानी बहता था, और जब पानी बहता था तो नाव के जरिए ही यहाँ ट्रेडिंग की जाती थी। उस समय माना ये जाता है कि ये जो नाव थी दिक्की की, ये यहाँ पलट गई थी, और इसके साथ जो सामान है वो इस जमीन के नीचे कहीं दबा हुआ है। यही मान्यता आज भी है लोगों की, और आप जब इसे गौर से देखेंगे तो आपको वाकई ये पूरा स्ट्रक्चर बेशक के पत्थर का है, लेकिन ये आपको ऐसा ही नजर आएगा कि कोई नाव उल्टी हुई है। हम जितनी बार सोचते कि कहीं ये सिर्फ कहीं सुनी कहानियां तो नहीं, उतनी बार यहां मौजूद सरकारी बोर्ड हमें इन कथाओं पर यकीन के लिए मजबूर कर देता। अगली मंजिल थी एक और राम कथा। बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही जुदा। आम मान्यता यह है कि रामायण की कहानी में संजीवनी बूटी की तलाश में महाबली हनुमान ने जिस द्रोण पर्वत के हिस्से को उठाया था वो उत्तराखंड के चमोली में है, लेकिन गारो रामायण कहती है कि वो पर्वत यही था, यानी चमोली से करीब 850 किलोमीटर दूर। यानी वहीं जहां इस वक्त हम मौजूद थे। और मेरे पीछे
ये जो हिस्सा आप खाली देख रहे हैं, गारो समुदाय की माने तो ये हिस्सा वही हिस्सा है जिसको हनुमान जी उठाकर ले गए। दो पहाड़ों के बीच में आपको एक बड़ा हिस्सा खाली देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि मैं कैमरे के जरिए वो आपको दिखा पाऊँ कि ये कितनी बड़ी खाई नज़र आ रही है, जहाँ बीच बीच में आपको तमाम पेड़ों की वजह से देख पाना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन ये एक गहरी खाई यहाँ पर हमें नज़र आ रही है और ये वही हिस्सा है जहाँ से पर्वत का एक भाग तोड़कर हनुमान जी लेकर चले गए थे जब युद्ध के दरमियान लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। तो चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे दक्षिण भारत की रामायण हो या कहीं और, इस बात का जिक्र हर जगह है कि युद्ध के दरमियान जब लक्ष्मण जी को ज़रूरत पड़ी थी किस चीज़ की, संजीवनी बूटी की, तो हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ लेकर आए थे। और गारो रामायण का जब हम जिक्र करते हैं या उसकी जब बात आती है तो उसमें भी जिक्र जब इस बात का होता है तब ये स्थान बताया जाता है जहाँ से हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ का एक टुकड़ा उठाकर लेकर चले गए थे। आज यहां कुछ भी नहीं है, एक खाली मैदान सा है, लेकिन गारो प्रजाति मानती है कि युगों पहले यहीं संजीवनी बूटी मिलती थी और इसी पहाड़ी का अगला हिस्सा हनुमान लंका लेकर गए थे। इससे पहले कि हम कुछ सोच समझ पाते, गांव के लोग हमें एक और सबूत दिखाने निकल पड़े। जहां से बालपक्रम नेशनल पार्क का खूबसूरत नजारा दिखता है, इस घाटी से जुड़ी एक बड़ी मान्यता है, ऐसी मान्यता जिसे सुनकर यकीन नहीं होता। गारो जनजाति मानती है कि ये घाटी स्वर्ग यानी रामलोक और धरती के बीच का आखिरी हिस्सा है। हिंदू मान्यताओं में कहा जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा रामलोक जाने से पहले कुछ दिन यहां ठहरती है और फिर वापस लौट जाती है। हालांकि इस राम कथा से जुड़ी मान्यताएं थोड़ा चौंकाने वाली हैं। बालपक्रम, इसका स्थानीय भाषा में जो मतलब है उसका मतलब है हवा में बह जाना। और गारो समुदाय के लोगों का ये मानना है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा पहले इन्हीं पहाड़ियों पर आती है और यहाँ रहने के बाद वो हवा में बहते हुए अपने अगले गंतव्य की ओर जाती है, या यूँ कह लीजिए स्वर्ग या नर्क या जहाँ पे भी उसे जाना है, उसका फैसला यहाँ पर होता है और उसके बाद वो ऊपर की ओर जाती हैं। और अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसे साउथ गारो हिल्स में बालपक्रम के अंदर बालकोल कहते हैं। बालकोल का मतलब है ऊपर की ओर आना। आप देखिए, कुछ भी चीज़ आप जब इस घाटी में फेंकते हैं तो ये वापस उड़कर आ जाता है। यही वजह है कि यहाँ अगर आप पानी भी फेंकें तो वो भी वापस आ जाता है, आप कपड़ा फेंकें तो वो भी उड़कर आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ जो भी चीज़ आप नीचे की ओर फेंकने की कोशिश करेंगे वो ग्रेविटी में ना जाते हुए ऊपर की ओर आता है, यानी उल्टी दिशा में ग्रेविटी को मात देते हुए ऊपर आता है। और यही वजह है कि यहाँ कुछ लोग डर की वजह से नहीं आते हैं और कुछ लोगों के लिए यह आस्था का एक बड़ा केंद्र है। विज्ञान कहता है कि ये सब कुछ हवा के दबाव की वजह से होता है। ऐसा एक नहीं, हिंदुस्तान की कई जगहों पर होता है, लेकिन गारो जनजाति के लोग अपनी राम कथा को इसी नजरिए से देखते हैं। बालपक्रम में ही मौजूद है एक गुफा जिसे गारो रामायण के बड़े साक्ष्य की तरह देखा जाता है। कहते हैं कि डिक्की बांधी यानी श्री राम लक्ष्मण ने इसी गुफा में लंबा वक्त गुजारा था। इस तंग गुफा के कोने में पत्थर का बिस्तर भी दिखता है।
ये जो गुफा है ये बताया जा रहा है कि ये उन्हीं की गुफा है, यानी दिक्की बंदी जो दो भाई थे जिन्हें राम लक्ष्मण कहा जाता है ये उनकी ही गुफा है। और ये वाकई देखने में आप देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी का बेड बिछा हुआ है इस गुफा में। और वहाँ आप ऊपर की ओर जाएंगे तो एक सिरहाना दिख रहा है जिस पर पत्थरों का ही सही लेकिन एक तकिया वहाँ पर आपको नज़र आ रही है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर दो लोगों के सोने की जगह आपको साफ तौर पर नज़र आएगी। और बताइए ये जा रहा है कि ये गुफा आज की नहीं है, ये गुफा तब से ही है जब से दंत कथाओं में दिक्की बंदी का नाम आया है, जब से उनका जिक्र हुआ। हमें जो कुछ भी बताया जा रहा था वो इससे पहले न हमने पढ़ा था न कभी देखा था। यकीन करना मुश्किल था कि देश के सुदूर कोने में भी श्री राम के साक्ष्य मिलते होंगे, वो भी बिल्कुल वैसे जैसे चित्रकूट या पंचवटी में मिलते हैं। गुफा से थोड़ा आगे बढ़ते ही वो जगह मिलती है जहां सारे तर्क खत्म हो जाते हैं। ये दो पद चिन्ह यहां के लोग पूरे दावे के साथ कहते हैं कि ये किसी और के नहीं खुद प्रभु श्री राम के हैं। देखिए जब हम अपने इस दृश्यम की तलाश के लिए गांव से शुरू करने वाले थे तो हमें साउथ गारो हिल्स में जो तमाम लोग मिले उनका ये कहना था कि जब आप ऊपर जाएंगे तो दिक्की बंदी यानी कि जो साउथ गारो हिल्स में या कह लीजिए गारो समुदाय की रामायण है उसमें राम लक्ष्मण के किरदार कहे जाते हैं उनमें से दिक्की यानी श्री राम के पैर के निशान आपको पहाड़ पर नज़र आएंगे। पास में पानी होगा और वहाँ पर पैरों के निशान होंगे जबकि इसके ठीक पीछे ये जो आकृति है ऐसा लग रहा है कि दायां पांव पीछे की ओर था जिसकी छाप यहाँ पर छूट गई है। तो वाकई ये जो दृश्यम इस वक्त हम देख रहे हैं ये भी दृश्यम चौंकाने वाले हैं क्योंकि जिसका जिक्र गांव के लोग कर रहे थे वो तमाम बातें यहाँ पर हमें अपनी आँखों के सामने नज़र आ रही हैं। आम इंसान का पांव करीब 1 फीट का होता है, ये निशान 2 फीट का था। वाल्मीकि रामायण में लिखी कुछ पंक्तियों से माना जाता है कि श्री राम की लंबाई करीब 7 फीट थी लेकिन गारो रामायण में भगवान राम की कद काठी इससे भी बड़ी थी। ऐसे में मान्यता यही है कि ये निशान श्री राम के हैं। गारो रामायण की इन निशानियों ने हमें हैरान कर दिया था। वैसे तो देश के कई राज्यों में रामायण से जुड़े साक्ष्यों के दावे होते हैं लेकिन इससे मेघालय की रामायण कमजोर नहीं पड़ती। ये सब आज गारो संस्कृति के अहम हिस्से हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई भारतवर्ष के उत्तर पूर्वी हिस्से में कभी श्री राम ने कदम रखा था? ऐसे में कहा यही जाता है कि भले ही गारो रामायण का कोई लिखित संस्करण नहीं है लेकिन श्री राम और लक्ष्मण मेघालय की फिजाओं में रचे बसे हैं। गारो रामायण को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। केवल मेघालय ही नहीं पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों के बीच रामायण के कई स्थानीय संस्करण हैं जिनके किरदार वहां के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक रंग में रंगे नजर आते हैं। कहते हैं दुनिया भर में 200 से ज्यादा राम कथाएं हैं। ये भी सच है कि जहां जहां राम भक्त पहुंचे वहां वहां राम कथाएं भी पहुंची।
लेकिन मेघालय के गारो पर्वत की राम कथा इससे पहले हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी थी। इस राम कहानी को, इस अद्भुत दृश्यम को दुनिया तक पहुंचाना ही हमारा मकसद था। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है आपके फेवरेट शो दृश्यम का। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हिंदुस्तान की अब तक की सबसे अद्भुत राम कहानी, एक ऐसी रामायण, श्री राम की ऐसी निशानियां, राम राज्य की ऐसी तस्वीरें जो इससे पहले देश के सामने नहीं आई। हिंदुस्तान के उत्तर पूर्व कोने से खोज कर ला रहे हैं हम श्री राम कथा का एक बहुत बड़ा और अद्भुत दृश्यम। हिंदुस्तान की धरती पर छिपी एक अद्भुत राम कहानी जो इससे पहले न कभी सुनी गई न कभी देखी गई। ये कहानी है मेघालय की, खूबसूरती में लिपटी साउथ गारो पर्वत श्रृंखलाओं की और उन पर्वतों के बीच छिपे एक राम राज्य की, जिसे आज के दौर में हम बाल पक्रम कहते हैं। अब तक सुनी गई राम कथाओं में हम अयोध्या में राम जन्मभूमि को जानते हैं, ओरछा में राजा रामचंद्र के महल को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मेघालय के बाल पक्रम और साउथ गारो पहाड़ियों पर भी श्री राम का एक नगर था, जिसे भगवान राम ने खुद अपने हाथों से सजाया था। फर्क बस इतना है कि जिन्हें पूरी दुनिया राम और लक्ष्मण कहती है, उन्हें गारो प्रजाति के लोग अपनी भाषा में डिक्की और बांदी कहते हैं। बलपक्रम जाइए, वो बलपक्रम में आप वो जो निशान है ना उनको उसको मिलेगा, जो निशान जो जो ये पातर पातर वो को भी मिलेगा आप लोग बलपक्रम में। अभी भी बलपक्रम में मौजूद है तो जैसे कि दिक्की की रंग बांदी बांदी ने जलांग कतनी सुनती ये सब बलपक्रम में रहते। जो बलपक्रम में था बोल के हम लोग का मेघालय या साउथ गारो इसमें था बोल के हम लोग सुना है। दृश्यम की टीम से मेघालय की गारो प्रजाति के कुछ लोगों ने संपर्क किया, हमें गारो रामायण के बारे में बताया, वहां मौजूद राम की कहानी, राम की निशानियों को दिखाया। और यकीन मानिए, वो सब कुछ सुनकर हमारे होश उड़ गए।